कभी भी हम एरोमेटिक अमाइन को जब एसाइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम हमेशा क्या यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। बेस शुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन, बिकॉज यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट में HCl निकलता है ये बेस उसके साथ रिएक्ट करके HCl को खत्म करता रहता है, जिसके वजह से रिएक्शन का होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ज्यादा से ज्यादा अमाइड का फॉर्मेशन होगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम न्यू टॉपिक लेके आ गए हैं जिसका नाम क्या है, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। और ये टॉपिक किसका है, अमाइंस का, ठीक है। तो आज हम टॉपिक समझेंगे बहुत अच्छी तरीके से विद एग्जांपल। तो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब सबसे पहले हम एल्काइलेशन को स्टार्ट करेंगे। अब एल्काइलेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज जरूरी है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है। एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप इनटू अ मॉलिक्यूल इज नोन एज क्या, एल्काइलेशन। मतलब आप किसी फ्यूल में, जैसे हमने अमाइंस लिया, ठीक, हमने अमाइंस में क्या किया, अमाइंस का एक हाइड्रोजन हटेगा और उसके उस हाइड्रोजन की जगह क्या हो जाएगा, कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ गया। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया और एल्काइल ग्रुप जोड़ा। तो क्योंकि आप एल्काइल ग्रुप को जोड़ रहे हो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। अच्छा, जो एल्काइलेशन प्रोसेस होता है ना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो कि कौन करता है, अमाइन करता है एल्काइल हैलाइड के साथ, ठीक है। अब मैं इस चीज को लिख के समझाती हूं। मैंने क्या बोला, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइलेशन। अब हम इसके लिए क्या करें, हम पहले 1 डिग्री अमाइन लेते हैं, आर NH2, ये हमारा क्या है, 1 डिग्री अमाइन। हम इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, हम इसको रिएक्ट करते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ। अब वो कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, ठीक है। RX को मैंने बस इस तरीके से लिखा है ताकि थोड़ा शॉर्टकट में समझा सकूं, ठीक है। तो हमने अल्काइल हैलाइड लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्या होगा कि ये जो हैलोजन, भाई पता है ना हैलोजन, यहाँ पे कोई भी अगर एग्जांपल लगाओ, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CH2Br, ये होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन कार्बन के कंपैरेटिव ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के पार्शियल नेगेटिव करेगा, इसको पार्शियल पॉजिटिव करेगा। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियोफाइल हटा है और उसके जगह पे दूसरा न्यूक्लियोफाइल अपना जगह बना लेता है, समझ आया। तो यहाँ पे क्या होगा, इस आर ग्रुप का हैलोजन हट जाएगा और हैलोजन के जगह अब वो आर ग्रुप पूरा पूरा अमाइंस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बस एक HX निकाल दो, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एन, ये इसका H, और अब इस H के जगह ये R ग्रुप जोड़ दो, ठीक है। तो अब देखो क्या हो गया, ये एल्काइलेशन के बाद क्या हुआ, 1 डिग्री अमाइन किसमें कन्वर्ट हो गया, 2 डिग्री अमाइन में, ठीक। अच्छा, बिकॉज अमाइन इज अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता, ये रिएक्शन तब तक होता है जब तक हमारे पास क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट ना मिल जाए, समझ आया। तो अब 2 डिग्री अमाइन फिर से एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, मतलब इसका H निकाल दो, इसका हैलोजन निकाल दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर एन R R। तो अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया, 3 डिग्री अमाइन। अभी भी रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा, फिर XR एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, अब ये ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, तो ये जो लोन पेयर है ये किसके पास जाएगा, प्लस वाले के पास। तो अब ये R ग्रुप इससे जुड़ जाएगा, तो अब N के साथ चार चार R ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और साथ में क्या होगा, X माइनस। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट, ठीक है। तो एल्काइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप, और ये होता किसके थ्रू है, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। और दूसरा बात, ये अमाइन के तीनों ग्रुप, तीनों क्लासेस ऑफ अमाइन ये रिएक्शन देते हैं, मतलब एल्काइलेशन जो है वो 1 डिग्री अमाइन भी देता है, 2 डिग्री अमाइन भी देता है और 3 डिग्री अमाइन भी देता है, समझ आ गया, ये बात याद रखना। अब मैंने क्या बताया, अब हम एसाइलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज याद रखो कि एल्काइलेशन 1 डिग्री से शुरू होता है, क्वार्टरनरी तक क्यों पहुंचता है, बिकॉज हम जो यहाँ पे अमाइन लेते हैं वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, ये होता ही रहता है, ठीक है। अब हम एसाइलेशन को समझेंगे। एसाइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ एसाइल ग्रुप, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। अब एसाइलेशन में क्या फर्क होता है, देखो एसाइलेशन में भी हम क्या करते हैं, हम अमाइन लेते हैं, अमाइन लेंगे, बट यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि एसाइलेशन में सिर्फ 1 डिग्री और 2 डिग्री अमाइन ही है जो ये रिएक्शन देता है, एसाइलेशन 3 डिग्री अमाइन ये रिएक्शन नहीं देता है, समझ आ गया। अब क्यों नहीं देता वो हम आगे समझ जाएंगे, ठीक। तो हम क्या करते हैं, अमाइन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसाइलेटिंग एजेंट के साथ, एसाइलेटिंग एजेंट। अब यहाँ पे एसाइलेटिंग एजेंट कौन होता है, जो एसाइल ग्रुप देगा, R C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप देगा। तो अब एसाइलेटिंग एजेंट के लिए हम 3 चीज यूज करते हैं, पहला एसिड हैलाइड ले लो, दूसरा एसिड एनहाइड्राइड ले लो, एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं,
तीसरा ईस्टर लिया जाता है, समझ आया? तो अमाइल लेते हैं, एसाइलेटिंग एजेंट लेते हैं, आपस में वो रिएक्ट करके हमें क्या देते हैं, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, हम क्या कर रहे हैं, अमाइल ले रहे हैं। तो जैसे अगर मैंने एक वन डिग्री का एग्जाम्पल लिया, आर एन एच एच, ठीक, हमने इसको किसके साथ रिएक्ट किया, एसिड हैलाइड के साथ। तो एसिड हैलाइड में रिएक्शन क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कार्बन कैसा होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, बिकॉज ये ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, खुद पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इससे पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इसको देगा, इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक। अब क्या होता है, जैसे ही बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड कैसे बनेगा, आर N, उसके दो ग्रुप N H H, ये H रहा, ये इसका H, और यहां पे C O माइनस, और क्या हो जाएगा, नीचे R ग्रुप लगा है और यहाँ पे ये Cl है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, अब नाइट्रोजन क्योंकि चार बॉन्ड बना रहे, तो इस पे प्लस चार्ज होगा। अब क्या होता है, नाइट्रोजन के प्लस चार्ज को हाइड्रोजन नहीं देख सकता, वो अपना इलेक्ट्रॉन फटाक से इसको देगा और H+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये बैक बॉन्डिंग के थ्रू ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, जैसे ही यहाँ पे ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इसको देगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो कार्बन की वैलेंसी देखो एक्सीड कर जाएगी, अगर यहाँ से क्लोरीन एज ए लीविंग ग्रुप नहीं निकला तो यहाँ पे क्या होगा, HCl निकल जाएगा, और क्या बच गया, आर एन एच, आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ और सी से जुड़ा हुआ आर ग्रुप, ठीक है। तो यही क्या हुआ है, अमाइड बना है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन सब्स्टिट्यूटेड अमाइड। तो यहाँ पे मैंने इस चीज को बताया है, बट बेसिक में अगर तुम समझना चाहो तो तुम्हें कोई भी ग्रुप दे रखा, तुम्हें बस क्या करना है, एक हाइड्रोजन निकालना है अमाइन से और एक क्या करना है, क्लोरीन, जो भी ग्रुप एसाइल ग्रुप को छोड़ के जो बचा ग्रुप हो गया उसको बस निकालना है, ठीक है। क्या अमाइन का 3 डिग्री रिएक्शन देगा, नहीं, क्योंकि अमाइन से हाइड्रोजन निकलना है और 3 डिग्री अमाइन के पास हाइड्रोजन होता ही नहीं है, इस वजह से एसाइलेशन जो होता है वो 3 डिग्री अमाइन देता ही नहीं है, समझ आ गया, ठीक है। यहां तक की बात समझ आ गई, जैसे मैं एक दूसरा भी एग्जांपल से बता देती हूँ, अगर हमारे पास यही आर एन एच 2 दे रखा है 1 डिग्री अमाइन, इसको एसाइलेटिंग एजेंट में हमने यूज किया एसिड एनहाइड्राइड, ठीक। तब क्या होगा, अब एसिड एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये आर ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैंने क्या बताया कि तुम्हें करना क्या, शॉर्टकट में अमाइन से हाइड्रोजन और जो एसाइलेटिंग एजेंट यूज कर रहे हो उसमें से सिर्फ एसाइल ग्रुप को एक जगह रख लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्रुप इसका जगह ले लेगा और ये हाइड्रोजन इतने हिस्से के साथ जुड़ जाएगा, समझ आया। तो यहाँ पे क्या बनना चाहिए, प्रोडक्ट आर एन एच सी डबल बॉन्ड ओ आर, देखो अमाइड बना और साथ में क्या बन जाएगा, आर सी ओ ओ एच, समझ आ गया। तो ये इस तरीके से बेसिक में शॉर्टकट में बस यही है, अमाइन से एक हाइड्रोजन निकालो और एसाइलेटिंग एजेंट अगर एसिड हैलाइड है तो उसमें से हैलोजन निकलेगा, एसिड एनहाइड्राइड है तो उसमें से क्या होगा, एसाइल ग्रुप छोड़ के बचा हुआ जो हिस्सा है वो हाइड्रोजन के साथ निकल जाएगा, समझ आया। अब देखो तुम्हें एक चीज क्या समझनी है, अभी मैंने जब एल्काइलेशन पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया, जब एल्काइलेशन होता है तो एल्काइलेशन में 1 डिग्री से स्टार्ट होता है और 1 डिग्री अपने आप को पूरा किसमें कन्वर्ट कर लेता है, क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट में। तो अब ऐसा यहां पे क्यों नहीं होता है, यहां पे रिएक्शन अगर 1 डिग्री एसाइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कर रहे हो ना तो वो अमाइड बना के रिएक्शन वहीं पे रुक जाता है, ठीक है। मतलब ये तो हम अलग-अलग एग्जांपल लेके तुम्हें बता रहे हैं ना, तो ऐसा क्यों होता है, तो रीजन यहां पे ये है, अमाइड क्योंकि यहां पे अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है ना, एंड अमाइड जो होता है वो नॉन बेसिक होता है नेचर में, नॉन बेसिक एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल है, एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से वो फर्दर रिएक्ट नहीं करता है, जिस तरीके से एल्काइलेशन में रिएक्शन तब तक होता है जब तक 1 डिग्री अपने आप को क्वार्टरनरी में नहीं कन्वर्ट कर लेता है, समझ आया। तो इसका रीजन समझ आ गया कि अमाइड क्योंकि कैसा होता है, नॉन बेसिक एंड पुअर न्यूक्लियोफाइल नेचर में, ठीक है। अब ऐसा क्यों, तो रीजन ये है कि जो अमाइड बना है जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, खुद के इंटरनल कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं ना कार्बोनिल ग्रुप के साथ, इस वजह से वो एक पुअर न्यूक्लियोफाइल एंड नॉन बेसिक होता है नेचर में, समझ आया। अब यही पे एक टर्म यूज होता है एसिटाइलेशन, क्या यूज होता है, एसिटाइलेशन। अब एसिटाइलेशन वर्ड कब बोला जाता है, एसिटाइलेशन कब बोलेंगे, जब तुम्हारा एसाइलेटिंग एजेंट में आर ग्रुप पर्टिकुलरली क्या हो, CH3, तब हम उसे क्या बोलते हैं, एसिटाइलेशन हो रहा है। मतलब अगर आप ये रिएक्शन कर रहे हो, जैसे अगर तुमने आर सी डबल बॉन्ड ओ सी एल था, इसमें तुमने एग्जाम्पल में आर ग्रुप को पर्टिकुलरली क्या लिया, मिथाइल CH3, तो ये क्या हो जाएगा CH3 CO Cl, ठीक है,
तो ये क्या है, एसिटाइल ग्रुप, एसिटाइल क्लोराइड ही तो है, तो ये हो गया। अगर एनहाइड्राइड लोगे तो एनहाइड्राइड में जब पर्टिकुलरली तुम्हारे आर ग्रुप क्या होंगे, CH3 होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो जब तुम्हारे एसाइलेटिंग एजेंट में आर ग्रुप पर्टिकुलरली सिर्फ क्या होता है, CH3, तब हम जो रिएक्शन हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एसिटाइलेशन हो रहा है। समझ आया? अब यहाँ तक की बात समझ गए हो? अब एक चीज समझो, जब हम एरोमेटिक अमाइन लेते हैं तो मान लो हमने क्या लिया, ये NH2, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, बेंजीन अमाइन। तो जब हम एरोमेटिक अमाइन को किसके साथ रिएक्ट करेंगे, किसी भी एसाइलेटिंग एजेंट के साथ, ठीक है? तो मैंने बताया ना वही चीज, तुम्हें बेसिक में क्या करना है, एरोमेटिक अमाइन का हाइड्रोजन और इसका क्लोरीन निकाल दो, तो HCl निकलेगा यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बस इतने हिस्से को यहाँ पे जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, बेंजीन NH C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है? इसका नाम क्या हो जाएगा, एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है? ये हो गया इसका नाम। अब देखो यहां पे इसके साथ बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, HCl। तो कभी भी जब एरोमेटिक अमाइन हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, एसाइलेटिंग एजेंट के साथ, मतलब एरोमेटिक अमाइन का जब भी हम एसाइलेशन करवाते हैं तो हमेशा याद रखना कि हम क्या यूज करते हैं, कोई भी बेस यूज करते हैं, और बेस कैसा होना चाहिए, इट शुड बी अ स्ट्रॉन्गर बेस देन अमाइन्स। तो हम एग्जाम्पल में यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, पाइरीडीन। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो बेस हम यूज करते हैं वो HCl के साथ रिएक्ट करके HCl को खत्म करता है और रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी फॉरवर्ड करता है। समझ आया? तो आई होप एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन टॉपिक क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो, एंड अगर चैनल अच्छा लगे देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड बाय।